हेलो डियर बडीज आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ कॉमर्स वाला मेरा नाम है अंशिका चतुर्वेदी और आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार तो कैसे हो आप लोग आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं डीप वाटर की समरी को कवर तो जो डीप वाटर है वो लिखा है विलियम डगलिस ने इनका नाम है विलियम डगलिस और इनने ना ऑटोबायोग्राफी लिखी है मतलब कि खुद के बारे में इन्ह बात करी है इस पूरे चैप्टर में तो इस पार्ट को उठाया गया है मेन एंड माउंटेन्स करके एक बुक है उससे उठाया गया है और इन्हें अपने बारे में अपनी लाइफ जर्नी बताई है इसमें इन्हें बताया कि इनको वाटर का फियर था ही हैड हाइड्रोफोबिया एंड एक्सट्रीम फियर था वो कैसे डेवलप हुआ कैसे बढ़ा और उन्हें कैसे उसको ओवरकम करा इन सारी चीज़ों के बारे में विलियम डगलस ने बात करी है अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं तो हमें यह भी सीखने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर बहुत सारे फेयर होते हैं जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ज़रूरी नहीं है कि वाटर का फेयर हाइट का फेयर या फिर चीज़ों का फेयर हमें बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों का फेयर होता है दोस्त बनाने का फेयर से दूर रहने का फेयर अकेले रहने का फेयर पब्लिक स्पीकिंग का फेयर लोगों के सामने खुल के बात करने का फेयर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाने का फेयर बहुत सारे फेयर्स है जो कि हमें हमेशा पकड़ के रखते हैं और हम उसे इग्नोर करते रहते हैं और अपनी लाइफ को लेकर चलते रहते हैं बट ऐसा विलियम डगलस ने नहीं करा विलियम डगलस ने हमेशा हमेशा वो जो हैंडी होता है फेयर हैंडी मतलब कि आपकी ज़िंदगी में रुकावट रुकावट जो डालता है उसको हमेशा से साइड हटाते गए अपने परसीवरेंस से परसीवरेंस का मतलब क्या होता है कंटिन्यूस एफर्ट फॉर समथिंग डिस्पाइट ऑफ फेलियर और बैड लक और वडेवर मतलब उन सब चीज़ों के बावजूद भी एक चीज़ पे चलते रहना और जब तक वो चीज़ हासिल ना हो जाए उसको फॉलो करते रहना चाहे कुछ भी हो जाए दैट इज़ परसिवियरेंस तो फ़ियर ओवरकम करा था चलते हैं समरी की तरफ डगलिस टेन और इलेवन ईयर्स ओल्ड ही डिसाइडेड टू लर्न हाउ टू स्विम जब वो दस या ग्यारह साल के थे तो उन्होंने डिसाइड करा था स्विमिंग सीखना uh, क्यों डिसाइड करा था वो बताएंगे द याकिमा रिवर एट दैट एट हिस प्लेस वॉज क्वाइट ट्रेचरस जो याकिमा रिवर थी उनके प्लेस मतलब जहाँ पे वो रहते थे वो बहुत ज्यादा ट्रेचरस थी मतलब कि डेंजरस थी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डेंजरस और ट्रेचरस दोनों से नॉनम्स है एंड दस सी ऑप्टेड फॉर द वाईमसी स्विमिंग पूल टू ग्रैप द अपॉर्चुनिटी तो सोचते हैं भाई एकदम से तालाब में जाने से अच्छा है पहले मैं स्विमिंग पूल में जाके स्विमिंग सीख लूँ तो वो स्विमिंग सीखने के लिए वो अपॉर्चुनिटी ग्रैप करने के लिए वो वाएम सी ए पूल जाते हैं कौन सा पूल ए He explains that his aversion towards water begins begin when he was थ्री years old. वो बताते हैं कि uh, जब वो तीन साल के थे कितने साल के थे उनका जो एवर्जन है वर्जन मतलब कि डिसलाइक मैं यहाँ पे एक एरो बना देती हूँ डिसलाइक भी नहीं बोलेंगे एक्सट्रीम या स्ट्रॉन्ग dislike उसे कहते हैं एवर्जन किसी चीज़ से अगर आपको एवर्जन है तो यू हैव अस्ट्रॉग डिसलाइक वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे पानी को वो कैसे बिगन, बिगन हुआ कैसे स्टार्ट हुआ पानी को ना पसंद करना जब वो तीन साल के थे एंड हैड गॉन टू कैलिफोर्निया बीच तो क्या हुआ था वो तीन साल के थे और अपने पेरेंट्स के साथ कैलिफोर्निया बीच गए थे फॉर सर्फिंग सर्फिंग करने के लिए वो सर्फ बोर्ड होती है राइट सर्फ बोर्ड होती है जिसपे आप खड़े होते हो और वेव्स पे ऐसे चलते हो मुझे तो आता नहीं भाई मैं नहीं कर सकती मुझे तो स्विमिंग भी नहीं आती सीखनी है खैर बट लेट्स होप फुली नेक्स्ट ईयर तो जो लाइक uh, सर्फिंग like, वो करने गए थे मतलब बोट पे खड़े होके अपने पेरेंट्स के साथ वो सर्फ बोर्ड होती है राइट right? सर्फ बोर्ड होती है जिसपे आप खड़े होते हो एंड आप

ये उनके जहन में उनके दिमाग में फ्यर बैठ जाता है पानी का इंस्टिल्ड मतलब कि किसी चीज का ग्रेजुअली और फॉर्मली आपके दिमाग में बैठ जाना दैट इज इंस्टिल्ड मतलब आप बोल सकते हो दिमाग में जहन में छप जाना तो वो फियर उनके माइंड में छप गया था इस इंसिडेंट के बाद जब उनको वेव्स ने नॉकडाउन कर दिया था जब वो अपने पेरेंट्स के साथ सर्व करने गए थे एज ही बिगेन लर्निंग टू स्विम स्विम एट वाई अब कुछ सालों बाद जैसे मैंने बताया विलियम डगलस की पर्सनैलिटी से आपको एक चीज़ सीखनी चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी भी हार नहीं मानते उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है वो उनका एक ही रूल है परसीवरेंस जब तक कोई चीज़ नहीं हो जाती तब तक मैं उस चीज़ को छोड़ूंगा नहीं चाहे मैं कितनी बार फेल हो जाऊँ होता है ना कि हम लोग चार पांच बार फेल हो जाते हैं तो हम नेगेटिव थॉट्स लेके उस चीज़ को वहीं छोड़ देते हैं अरे नहीं हो पाएगा छोड़ो हम कुछ और करते उनका था कि नहीं फियर दूर करना है मतलब करना है तो अब जब उनको फियर था तीन साल की उम्र में तो कुछ सालों बाद मतलब तीन चार साल बाद बोल सकते हो जब वो आ, दस ग्यारह साल के ऑब्वियस बात है जब दस साल के हुए तो उन्हें सोचा कि चलो मैं वापस स्विमिंग सीखता हूँ तीन साल के थे जब उनको ये फेयर आया था फिर दस ग्यारह साल के जैसे वो हो जाते हैं तो वो सोचते हैं कि नहीं अब मैं स्विमिंग सीखता हूँ इट ब्रॉड बैक ब्रॉड बैक द मेमोरीज ऑफ चाइल्ड हुड दिविंग एम कॉन्फिडेंट तो अब उन डिसाइड तो कर लिया कि मैं स्विमिंग सीखूंगा बट जिस दिन वो पहले दिन वो स्विमिंग पूल के पास जाते हैं स्विमिंग पूल के तरफ कदम रखते हैं उनको वो जो मेमोरीज़ थी वो आनी स्टार्ट होती है जो बचपन की मेमोरीज़ थी और बहुत बुरी मेमोरीज़ थी डैट वो, वो जब वेव्स ने उन्हें नीचे दफना दिया था पानी में गिरा दिया था तो वो वो एकदम से वो पानी को देख के उनको वो मेमोरीज़ याद आती है बट एवेंचुअली बट एट दी एंड एवेंचुअली का मतलब है कि एट दी एंड दैट चेंज एंड यू स्टार्टिंग टू गेट एट ईज़ विद वाटर फिर उनने बोला नहीं उसको इग्नोर करा और वो पानी में उतरने लग गए और अपने दोस्तों को देख के वाटर विंग्स पहन के वाटर विंग्स जैसे वो एक आ, ट्यूब होता है ना जो जो आप वेस्ट पे लगाते हो पानी में ऊपर आप जिससे फ्लोट कर पाओ उसी तरह एक वाटर विंग भी होती है जो आपके हाथों पर लगती है और उसकी वजह से आप डूबते नहीं हो आप पानी पे पानी के सर्फेस पे ही फ्लोट करते रहते हो ठीक है तो ही ही वॉज स्टार्टिंग टू गेट ई तो अब वो दूसरे लोगों को देखते थे वाटर विंग्स पहन के बस पानी में ऐसे बस रहते थे रहते थे आजन दिन बस रहते थे बस दूसरों को देख रहे ऐप करते थे एपिंग मतलब कॉपी करते थे कि वो क्या कर रहे हैं तो वो थोड़ा थोड़ा उनको पानी से थोड़ा फ्रेंडली फीलिंग आने लग गई वन डे ही वेंट टू द पूल एंड फाउंड आउट दैट नो वन वॉज देयर एक दिन वो जाते हैं पूल के पास अब एक दिन की बात है तीन चार दिन उन्हें स्विमिंग सीखते सीखते हो गए थे तो वो जल्दी उस दिन पहुंच गए थे स्विमिंग क्लास उस दिन कोई नहीं था स्विमिंग पूल के आस पास एज ही वॉज ऑब्जर्विंग द वाइट टाइल्स ऑफ द स्विमिंग पूल अब उनके दिमाग में चल रहा था कि मैं पानी में कूद जाऊँ बट वो वेट कर रहे थे कि लोग आ जाएँ कि अगर अभी कूद गया और मैं डूब गया तो मुझे कोई बचाएगा नहीं तो वेट कर रहे थे कि चलो लोग आ जाएं, लेट देम कम देन फिर मैं उनके साथ जाऊंगा। तो पानी की टाइल्स को ऑब्जर्व कर रहे थे ऐसे बैठ के कि चलो मैं जल्दी आ गया हूँ तो वेट कर रहे थे और वो पानी की टाइल्स को ऑब्जर्व कर रहे थे मतलब कि स्विमिंग पूल की पानी की टाइल्स नहीं सॉरी स्विमिंग पूल की टाइल्स स्विमिंग पूल के जो बॉटम की टाइल्स होती है उसको ऑब्जर्व कर रहे थे अ बिग बिग ब्रूजर 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 इन हिज टीन्स तो एक बहुत बॉय मतलब मतलब मस्कुलर हे पॉपुलर हम्मर ऐसा कुछ गाना भी सुना होगा आपने ब्रूज तो मतलब कि बहुत स्ट्रांग मस्कुलर हाइटेड

तो वो ऐसी मस्ती मस्ती में उसको थोड़ी पता था कि उनको पानी का फियर है वो दूसरों को देख के पानी में उतरते हैं वो अकेले पानी में नहीं उतरते उन्हें स्विमिंग बिल्कुल भी नहीं आती है उसको नहीं पता था वो मस्ती मस्ती में विलियम डगलस को पानी में डक कर देता है डक करने का मतलब टू तो थ्रो समबडी अंडर वाटर और टू तो लाइक पुश समबडी अंडर वाटर डगलस लैंडेड इन दी सिटिंग पोजिशन जो डगलस है आप वो पानी के निचले हिस्से पर जाते हैं सिटिंग पोजिशन में मतलब कि क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो जब आप जिंदा रहते हो तो आपकी बॉडी की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा रहती है ना तो आप नीचे चले जाते हो फिर बाद में बैक्टीरियाज आपके बॉडी को खा लेते हैं जब आपकी बॉडी जब आप ज़िंदा नहीं रहते हो तो उसके बाद आपकी बॉडी फूल जाती है और फिर वो पानी की सरफेस फ्लोट करती है अभी तो सबको पता होगा तो वो नीचे चले जाते हैं बॉटम एकदम नीचे चले जाते हैं डूब जाते हैं पानी में ठीक है द बॉय थ्रू हिम एट द एंड ऑफ द स्विमिंग पूल विच वॉज नाइन फीट डीप जो तो तो इंसान ने स्विमिंग पूल में फेंका था वो स्विमिंग पूल नौ फीट डीप था एज यू वैन डाउन ई प्रिफेयर हिमसेल्फ टू जम्प अप टू द सर फेस एज सून एज यू टच द ग्राउंड अब क्योंकि उनकी विल पावर स्ट्रांग थी वो डरते नहीं थे तो उनने सोचा कि चलो ठीक है अब ये होना था तो ये हो गया है तो वो उस टाइम पे बोलते हैं कि मतलब अपने दिमाग में ऐसे स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि मैं ना ये करूँ मैं काम करूँगा जैसे मैं एकदम बॉटम टच करूंगा अपने फीट से ठीक है जैसे ही मैं अपने बॉटम टच करूंगा फीट से तो एकदम धक्का दूंगा अपने आप को ऊपर ताकि मैं पानी की सरफेस पर आ जाऊँ ऐसा होता है ना कि जो डांसर्स नहीं होते जो नॉन डांसर्स होते हैं वो किसी लिरिक्स को सुनते हैं और अपने दिमाग में ऐसे स्टेप्स इमेजिन कर लेते हैं कि आई विल मैं इस पर ऐसे डांस करूंगा आई विल ऐसे आई आई विल डू दिस स्टेप ऑन दिस पर्टिकुलर लिरिक्स और ऐसे कि जब आप उसे एग्जीक्यूट करने जाते हो दैन कचड़ा हो जाता है क्योंकि आप नहीं कर पाते हो वही उनके साथ हो रहा था अब उनको स्विमिंग नहीं आती तो ऑब्वियस ही बात है तो वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं वो बनाते हैं कि भाई मैं जैसी फीट मेरी बॉटम टच करेगी पोजिशन एज हीस एज सून एज यू टच द ग्राउंड अनफॉर्चुनेट could not happen, नॉट वैसा नहीं हो पाया जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया इन द नेक्स्ट फ्यू पैराग्राफ्स ही

वो एक बहुत बड़ी जंप लेंगे और पानी के सरफेस पे आ जाएंगे फिर आ, जो स्विमिंग पूल में हेल्पिंग रोप्स होती है लगी रहती है मतलब कि चिपकी रहती है उसको पकड़ के ऊपर बैठ जाएंगे या फिर स्विमिंग पूल की जो स्टेयर्स होती है लैडर्स होती है उसको पकड़ के ऊपर चले जाएंगे हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी ठीक है द फर्स्ट अटैम्प्ट विक्राइब्ड इन दिस मैन पहला पहला अटैम्प्टज नाइन फीट व मोर लाइक नाइनटी उनको वो नौ फीट नाइन्टी फीट लग रहे थे बिकॉज वो इतनी धीरे धीरे ऊपर आ रहे थे अब वो धीरे धीरे एक्चुअली ऊपर नहीं आ रहे थे पानी के अंदर आपको सांस ही नहीं आती है और एक ऐसा इंसान जो पानी से डरता है वो तो मतलब घबरा ही जाएगा एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स रेडी टू बर्स्ट और जैसे वो पानी के सबसे बॉटम मतलब स्विमिंग पूल के बॉटम पहुंचते थे तो पानी एकदम ही भर जाएगा ना आप एकदम मतलब बॉटम में हो स्विमिंग पूल के तो पानी भर जाएगा तो उनके लंग्स में इतना पानी भर जाता था कि उनकी लंग्स जो थी वो पटने वाली सिचुएशन uh, में आ जाती थी बट वेन माई फीट हिट बॉटम आई सबमिट ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड दैट ऑफ वर्ड्स तो वो जैसे ही बॉटम टच करते हैं वो अपनी सारी स्ट्रेंथ को सम्मन करते हैं सम्मन मतलब कि सारी स्ट्रेंथ को गैदर करते हैं सम्मन को आप गैदर भी कह सकते हो ठीक है सम्मन एक दूसरा भी होता है कि किसी को बुलाना टू तो कॉल समी बट वो तो दूसरा सामन है

आई ओपन आई इमेजिन आई would बॉप टू द surface लाइक like अ cork. वो इमेजिन करते है कि वो ऐसे जंप मारेंगे ना तो वो ऊपर सरफेस पे कॉर्क की तरह आएंगे बॉप मतलब कि बाउंस बॉप टू मतलब कि बाउंस तो कॉर्क आपने देखी होगी जो बॉटल्स होती हैं, यूजली शैम्पिन की बॉटल होती है अब आपको बोलना मैम कर प्रोमोट करो नहीं अल्कोहल प्रमोट नहीं कर रही हूँ मैं मैं बस बता रही हूँ कि जो शैम्पिन की बॉटल होती है उसका खोलते तो वो कॉर्क होता है वो कॉर्क होती है उसे खोलती हूँ तो कितनी तेज उछलती है ना उछल के पता नहीं कहाँ चले जाती है तो वो उनने सोचा था कि वो बाउंस करेंगे कॉर्क की तरह जम और वो एकदम पानी के सरफेस पे आ जाएंगे हाँ हाँ और फिर हैप्पी लाइफ होगी अपने आप को बचा लेंगे कि वो दिमाग में ऐसा सोच रहे थे बट ऐसा हो नहीं रहा था पॉसिबल नहीं हो पा रहा था इंस्टेड आई केम अप स्लोली बट वो धीरे धीरे आ रहे थे कॉर्क की तरह तेजी से नहीं धीरे धीरे आ रहे थे आई ओपन माई आईज इन सॉ नथिंग बट वॉटर अब उन्हें आंखें खोली उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सिर्फ पानी दिखाई दे रहा था वॉटर दैट हैड अ येलो टेंच टू इट वाटर जो कि येलो कलर का था येलो टेंट था या फिर येलो कलर था येलो कलर क्यों था क्योंकि भाई दोपहर का टाइम था सनलाइट पानी में पड़ रही थी उसकी रेस पानी में पड़ रही थी तो वो येलो दिख रहा था आई ग्रू panic किया वो घबराने लगते हैं आई रीच अ पैसव टू ग्रोप ग्रैबर रोप एंड माई हैंड्स क्लचड ओनली एट वाटर वो कोशिश कर रहे थे कि उन्हें स्विमिंग पूल की जो सेफ्टी रोप होती है वो मिल जाए तो उसे पकड़ लें और उसको पकड़ के ऊपर ऐसे ऊपर आ जाए किसी ना किसी तरह से बट जब वो क्लच कर रहे थे मतलब कि ग्रैप करने की कोशिश कर रहे थे होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे रोप को उनको वो पानी को ही क्लच कर रहे थे देखिए स्विमिंग पूल में कुछ दिखता थोड़ी है तो बस वो ऐसे अंदाजे से कर रहे थे जो कर रहे थे बट ऑब्वियस बात है कि वो नहीं मिल पा रही थी उन्हें आई रीच अप एज इफ हाँ आई सफोकेटिंग अब मुझे घबराहट हो रही थी आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट मैं चिल्लाने की कोशिश करता हूँ बट कोई साउंड बाहर नहीं आता है राइट right? um, पानी में कोई आवाज ही नहीं आती तो ऑब्वियस ही बात है देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वॉटर मेरी आईज एंड नोज पानी के बाहर आती है बट नॉट माई माउथ पर मेरा मुंह बाहर नहीं आ पाता है मैं उतने में नीचे वापस डूब जाता हूँ सेकेंड अटैम्प टूक प्लेस इन दिस मैनर दूसरा अटैम्प्ट इस मैनर में होता है बट जम्प मेड नो डिफरेंस जम्प वापस से नीचे जाते हैं वापस से एक जंप लेते हैं बट कुछ डिफरेंस नहीं होता द वॉटर वॉज स्टिल अराउंड मी पानी अभी भी मेरे आस पास था आई लुक फॉर रोप्स लैडर्स एंड वॉटर विंग्स मैं रोप ढूंढ रहा था लैडर सीढ़ियाँ ढूंढ रहा था वॉटर विंग्स ढूंढ रहा था कि कुछ तो मिल जाए कुछ भी नहीं मिल रहा था नथिंग बट वॉटर कुछ नहीं सिर्फ पानी मास ऑफ येलो वॉटर हेल्ड मी इतना सारा पानी मुझे जकड़ के रखा हुआ था स्टार्क टेर टू कैन इवन डीपर होल्ड ऑन मी अब जो डर था वो मेरे जहन में और ज्यादा बैठ गया था स्टार्क टेरर डीपर होल्ड मतलब कि बहुत तेज जकड़ लिया था उस डर ने लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि जब आपको इलेक्ट्रिसिटी लगती है तो आप किसी एकदम से डर जाते हो शेक करते हो यू you नो know? वैसे ही वो जो डर था वो मुझे ऐसी फीलिंग दे रहा था आई वॉज शेकिंग आई वॉज ट्रेम्बलिंग यहाँ पे लिखा है आई शू कैन ट्रेम्बल विध फ्राइट शूक होता है शेक का पास फॉर्म एंड ट्रेम्बल भी उसी का सिनोनिम होता है तो वो डर के मारे कपकपा रहे थे माई आर्म्स वु मूव मेरे हाथ नहीं मूव कर पा रहे थे माई लेग्स वुडेंट आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प टू कॉल फॉर मदर नथिंग माई लेग्स वॉज नॉट ऑल्सो उन मेरे लेग्स भी नहीं चल रहे थे पानी में कुछ भी नहीं चल रहा था एंड मैं अपनी मम्मी के लिए आवाज़ दे रहा था बट कुछ नहीं हुआ नथिंग हैपन्ड ही रिमेंबर्स इज मदर एट दिस मोमेंट सिंस हर मदर इज़ द सिंबल ऑफ कम्फर्ट एंड पीस वो इस टाइम पे ना अपनी मम्मी को क्यों याद करते हैं क्योंकि जो मम्मी होते हैं ना वो एक कम्फर्ट एंड पीस का सिम्बल है बिकॉज वेन एवर यू आर इन बैड सिचुएशन और दर इज़ टाइम ऑफ एडवर्सिटी यू ऑलवेज रिकॉल योर मदर और योर क्लोज वन राइट तो वो अपनी मम्मी को याद करते उस टाइम पे कि मम्मा ठीक है और दैट मोमेंट ही वांटेड पीस ही वाज लुकिंग फॉर समथिंग दैट कुड गेट गेट हिम सम कंफर्ट तो उस टाइम पर उन्हें पीस चाहिए था बिकॉज ही वाज वो जूझ रहे थे अपने आप को बचाने में जूझ रहे थे मतलब आज इनकी बहुत ताकत लग रही थी एफर्ट्स लग रहे थे बट ही यूज़ नॉट एबल टू लाइक अचीव वॉट ही यू वॉज थिंकिंग ना तो uh, जो उनका कोशिश थी वो सब वेस्ट जा रही थी

इंटेलिजेंट हो बट मैंने लिख दिया तो ह्यूमन फितरत होती है इंसानों की फितरत होती है कि जब भी आप किसी बुरी में होते हो, तो आप अपने आपको फेथ है जिसपे आप डिपेंड कर सकते हो जो आपको पीस प्रोवाइड करता है जो आपको कम्फर्ट देता है एंड मदर इज देशन ऑफ ऑल दर्थ मम्मी जो होती है वो इन सब चीजों का मालगमेशन होती है मतलब की कॉम्बिनेशन होती है चलिए The third attempt has been described by Douglas with these words. अब तीसरा attempt वो ऐसे डिस्क्राइब करते हैं I sucked for air and got water. मैं सक कर रहा था सांस ले रहा था मैं लेने की कोशिश कर रहा था ऑक्सीजन बट आई वॉज ओनली गेट ओनली गेटिंग वाटर ना द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट अब वो जो येलोइश लाइट थी वो रही थी इसका मतलब ये नहीं कि सनसेट हो रहा था अब इसका मतलब ये कि वो अनकॉन्शियस हो रहे थे ठीक है ही वॉज नॉट एबल टू लाइक मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहे थे ना मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं था अब इंसान बेहोश होगा तो अनकॉन्शियस हो रहे थे तो उनकी आंखें बंद हो रही थी देफर्ट सीज सारे एफर्ट सीज हो जाते हैं जब बंद हो जाते हैं एंड हो जाते हैं इवन माई लेग्स फेल्ट लिंप अब उनके जो लेग्स थे वो लिंप फील कर रहे थे बट डस लिंप मीन आप लोगों ने कभी अच्छा बहुत सारे बच्चे जो हैं अच्छा मैं ऐसे बताती हूँ जिम जाते हैं जिम जाते हैं तो हम लोग जब लेग्स मारते हैं तो जब लेग्स मारते हैं तो भाई उसके बाद जब सीढ़ियों से उतरने की टर्न आती है तो वाट लग जाती है भाई बिकॉज आप नहीं उतर सकते आपके लेग्स स्टिफ हो जाते हैं तो वही वो फील कर रहे थे लेग्स फेल्ट लिम्प फील कर रहे थे एंड ब्लैकनेस स्वेप्ड ओवर माई ब्रेन और उनके दिमाग के आसपास ब्लैकनेस मतलब वो ब्लैकआउट हो जाता है बेहोश हो, हो जाते है इट वाइट आउट फियर इट वाइट आउट टेर आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं सारे दुख दर्द भूल जाते हैं सारे दर्द जब भी आप अनकॉन्शियस होते हो आप नींद में होते हो जब आप दुखी होते हो तो आप बहुत ज़्यादा सोते हो ठीक है एक दुखी इंसान बहुत सोता है तो इसका मतलब क्या है एक एक्साइटेड इंसान को नींद नहीं आती और एक दुखी इंसान को बहुत नींद आती है उसको होता है उसका राइट right? कि वो दुनिया से प्रॉब्लम से दूर भागना तो वो वो या एकदम अनकॉन्शियस होते तो अच्छा फील करते हैं कि चलो अब सारे फेयर्स जा रहे मेरे सब कुछ जा रहा है ठीक है बिकॉज नथिंग वॉज वर्किंग ओनली यार मतलब कुछ भी नहीं काम कर रहा था ना सब कुछ तो मतलब करके देख लिया मैंने इट वाइप आउट टेरर सारे डर मेरे जा रहे हैं देर नो मोर पैनिक देर वॉज नो मोर पैनिक अब कोई पैनिक नहीं था मेरे अंदर इट इज़ क्वाइट एंड पीसफुल अब सब कुछ क्वाइट एंड पीसफुल था नथिंग नथिंग टू बी अप्रेड ऑफ किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है दिस इज नाइस टू बी ड्राउजी ये बहुत अच्छा स्टेट होता है ड्राउजी होना हाफ नींद में होना अनकॉन्शियस होना टू गो टू स्लीप सोना टू नो नीड टू जम्प जम्प करने की जरूरत नहीं है अब एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि बॉडी में अब एनर्जी नहीं है जान नहीं बची टू टायर टू जम्प हाँ हाँ मतलब थक गई है बॉडी अब जान क्योंकि पानी के अंदर कभी भी स्विमिंग करने जाओ कभी पानी के अंदर जाओ आपकी बॉडी शाम को बहुत थका हुआ फील करती है बिकॉज़ पानी के अंदर कोई भी एक्टिविटी अगर आप करते हो तो आप आपकी बॉडी थका हुआ महसूस करेगी ठीक है बिकॉज़ उसमें बहुत एफर्ट्स लगते हैं पानी के अंदर कुछ भी करने में बहुत एफ़र्ट्स लगते हैं ठीक है, कैरी it, जेंटली nice अब मुझे कोई उठा के ले जाए, I'm, 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 मतलब मैंने अपने आप को दे दिया है मतलब मतलब मैंने दिया है अपने आप को। <laughs> like ऐसे मतलब, वो वाली फीलिंग है ना टू तो फ्लोट लॉन्ग इन स्पेस जैसे कि मैं फ्लोट में आ, स्पेस में फ्लोट कर रहा हूँ उड़ रहा हूँ मेरे आर्म्स जो हैं वो एकदम ढीले हो गए हैं मतलब ढीले एज इन की फुल थुले हो गए हैं लूज हो गए हैं टेंडेड आर्म्स लाइक माई मदर जैसे कि मेरी मम्मी के आर्म्स है क्यूट क्यूट से, से आर्म है वैसे नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप अब मैं सो जाता हूँ आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन ऑब्लिवियन मतलब कि वो स्टेज जहाँ पे आप अनकॉन्शियस हो जाते हो और आप फील करते हो कि यार यू हैव डाइट आप मर गए एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल और उनकी नजरों के सामने वो जो जिंदगी थी वो भूल जाते हैं उसके बाद का उन्हें कुछ याद नहीं कि उनके साथ क्या हुआ ही वॉज फीलिंग स्लीपी एंड अराउंड हिज मदर्स आर्म्स अगेन आर रिफ्लेक्शन ऑफ पीस एंड कम्फर्ट अब वो इमेजिन कर रहे थे कि वो अपनी मम्मी के बस अब आर्म्स पे ऐसे आ, म, मम्मी के आर्म्स को याद करते हैं टेंडर आर्म्स लाइक माय मदर तो वो इमेजिन करें कि जब वो मम्मी के शोल्डर पे ऐसे आर्म्स पे ऐसे सर के सोते होंगे तो कितनी कुशन कुशन हो टाइप फीलिंग होती है ना तो ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट से हाथ तो ये याद करें इसका मतलब ये कि वो वापस से पीस और कं, कंफम्फर्ट ढूंढ रहे हैं ठीक है दीज लाइन्स डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस पेन एंड फेयर्स ही वॉज गोइंग थ्रू और यहाँ पर पता चलता है कि कितना स्ट्रेस कितना पेन और कितना फेयर उनने झेला वेट लाइक यू हैड क्रॉस द ऑब्लिवेन उनको लगता है कि वो अब ओब्लिवन क्रॉस कर चुके हैं मतलब मर चुके हैं ऑब्लिवेन तो वैसे अनकॉन्शियस होता है अनकॉन्शियस इंसान जब हो जाता है एकदम बेहोश हो जाता है तो उसको नहीं समझ में आता है यहाँ पे नहीं लिख पा रही हूँ मैं यहाँ लिख देती हूँ ठीक है अच्छा मेरी राइटिंग मैंने आ, वैसे तो मैंने अच्छे से लिखा है अनकॉन्शियस नहीं अब मैं अच्छे से लिखूंगी ठीक है आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट योर टाइम बट हाँ समझ में आना चाहिए बस आपको इसलिए मैं दोबारा लिख रही हूँ बच मींस दैट ही हैड टेकन द फाइनल अवार्ड का मतलब कि मतलब उनने फाइनल अवार्ड ले लिया है उनको ऐसा लग रहा था कि उन्हें फाइनल अवार्ड ले लिया है फाइनल डेस्टिनेशन जो हमारी होती है डेथ समवन गॉट हिम फ्रॉम द स्विमिंग पूल एंड सेव्ड हिज लाइफ उसी में कोई उन्हें स्विमिंग पूल से बाहर निकालता है उनकी लाइफ बचाता है बट नाइट मेयर्स ऑफ द इंसिडेंट कीप केप्ट हॉन्टिंग हिम फॉर यस बट ये जो इंसिडेंट हुआ था ना इसके बुरे सपने इनके नाइट मेयर्स इनको काफ़ी सालों तक डराते रहे रोज रात को उनको ये सपना आता था और वो डरते थे द फर डिप्राइव्ड हिम ऑफ फिशिंग जो फेयर था वो उन्हें दूर रखता था डिप्राइव्ड ऑफ मतलब कि किसी चीज़ से आप कुछ करने से रुक जाते हो नहीं कर पा रहे हो समथिंग इज कीपिंग यू अवे फ्रॉम समथिंग ठीक है तो ही वॉज डिप्राइव ऑफ फिशिंग बोटिंग स्विमिंग एंड हैविंग फन अराउंड द वॉटर हाँ फिशिंग कर सकते थे स्विमिंग कर सकते थे कुछ भी नहीं कर सकते थे जैसे कि आप एक एक बच्चे को इमेजिन करो वो बच्चा दूसरों उसका दोस्त है जो कि क्लास असेंबली में या फिर डिबेट कंपटीशन में उसने उस बच्चे को देखा अपने फ्रेंड को देखा ए पर्सन ने बी पर्सन बी को अपने फ्रेंड को देखा कि वो कितना अच्छा डिबेट में बोल रहा है कितना अच्छे से बात कर पा रहा है कितने अच्छे से अपने व्यूज़ रख पा रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ आई कैन डू बेटर बट वो नहीं कर पाता है वाई बिकॉज वो एक इंट्रोवर्ट है उसको वो प्रॉब्लम होती है लोगों से बात करने में हालांकि जब वो अकेले अपने साथ रहता है तो वो उससे अच्छा बोल रहा है बट जब वो उस स्टेज में आता है उस सिचुएशन इस सिचुएशन में आता है तो वो नहीं और फिर दूसरों को देख के ही बस खुश है तो ये आपका हैंडी ही तो है कि आपका फियर आप ओवरकम नहीं कर रहे हो आप उसे लेके बैठे हो कि आप अब 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 क्योंकि आप वो ओवरकम नहीं कर रहे हो तो आपका जो टैलेंट है वो आगे नहीं आ पा रहा है निकल नहीं पा रहा है बाहर नहीं आ पा रहा है दिस दिस इज हैपनिंग विलियम कि उनको फिशिंग करना पसंद है बोटिंग करना पसंद है पानी के पास मजे करना पसंद है ये सब चीजें करना पसंद है बट वो नहीं कर पा रहे थे वाई बिकॉज उन्हें पानी का फेयर था देन ही डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम एंड कॉन्कर हिज कर तो वो सोचते नहीं कुछ भी हो जाए परसिवरेंस कुछ भी हो जाए मैं इस फेयर को अपना हैंडीकैप नहीं बनने दूंगा रुकावट नहीं बनने दूंगा एंड वो अपने फेयर को कॉन्कर करने का सोचते हैं उसको हराने का सोचते हैं आफ्टर अ फ्यू मंथ्स ही फ्यूमंथ स्विम एंड चैलेंज हिमसेल्फ टू स्विम अक्रॉस वेरियस लोकेशन एंड वेन आई लोन क्या करते हैं कि नहीं भाई मैं इंस्ट्रक्टर हायर करता हूँ उनने पर्सनल इंस्ट्रक्टर हायर करा उससे छह महीने ट्रेनिंग ली स्विमिंग सीखकर लेकिन जब तक स्विमर था तो उसके सामने आ, इंस्ट्रक्टर था तो उसके सामने स्विमिंग करते थे बट जैसे ही वो चला गया तो उन्होंने डिसाइड करा कि अब मैं अकेले स्विमिंग करूंगा अभी तक तो वो था तो मैं कर लेता था कि चलो ये बचा लेगा मैं अकेले करूंगा फिर अकेले करी फिर उसके बाद बोलते हैं कि नहीं अब मैं रिवर में स्विमिंग करूंगा फिर रिवर में स्विमिंग करी तो फिर आइलैंड पे जाते हैं तो वो जब तक वो एक्सेलेंस तक नहीं पहुंच जाते ना मतलब सीखना उनका मेन गोल नहीं था उनका गोल था कि इतने अच्छे से स्विमिंग सीख जाओ इतने अच्छे से स्विमिंग आ जाए मुझे कि मुझे कभी भी कोई भी ऑब्स्टिकल uh, uh, ना आए कि मतलब मैं एक परफेक्ट स्विमर बनकर ही अब बाहर निकलूंगा डूइंग माय माय गिविंग टू दिस थिंग तो मतलब मतलब ऐसा नहीं कि सीख ले चलो अब तो स्विमिंग आ गई अब जब भी कभी सिचुएशन आएगी तो मैं स्विम कर लूंगा नहीं उनने तब तक हार नहीं मानी जब तक कि वो एकदम परफेक्ट नहीं हो गए राइट एकदम मतलब बोलते हैं ना इन इन परसूट ऑफ एक्सलेंस कि नहीं सिर्फ सीखना नहीं था उन्हें कि मैं जो भी स्विमर होगा उसकी तरह मतलब एक जो ट्रेंड स्विमर होते हैं ना मैं अब उसकी तरह बनूंगा वैसा ही डिस्क्राइब्स हिस अचीवमेंट लुकिंग थ्रू ब्यूटिफुल लाइन्स अपनी अचीवमेंट अब वो डिस्क्राइब करते हैं क्योंकि वो सीख जाते हैं वो अकेले भी तैरने लग जाते हैं वो रिवर में तैरने लगते हैं ट्राइंग टू तो स्केर मी वेल हेयर्स यू लुक गो अना लेंथ ऑफ द पूल एंड मिस्टर टेरर वोट डू थिंक यू कैन डू टू मी कब क्या होता है कि वो जब भी ये एक लाइन उन्होंने लिखी है कि तुम मुझे वो अपने आप से बात करते हैं खुद से अपने दिमाग से बात करते हैं बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जब भी आपको नेगेटिव थाट स्ट्राइक करे ना अपने दिमाग को कॉन्शियस रह के उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो बोलो अपने आप को चिल्ला के जैसे आपको एक दोस्त बोलेगा ना वैसे ही खुद को बोलो तो वो अपने आप को बोलते हैं स्विमिंग करते करते कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो देखो मैं यहाँ से वहाँ तक चले जाऊँगा तुम्हें तो पता भी नहीं चलेगा और जैसे ही उनको वो डर वापस आता है ना वो एक और राउंड मारते हैं जैसे हमारे साथ होगा मैं डर आ गया तो नहीं यार अब अब कल अप कल करूंगा स्विमिंग आज तो नहीं हो रही नहीं वो नहीं करते ऐसा उनको डर जैसे ही स्ट्राइक होता है वो वैसे वापस से एक एक और राउंड लेकर आते हैं स्विमिंग पूल का ठीक है मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी और फिर वो आखिर में कहते हैं डर से कि तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा क्या कर सकते हो कुछ भी नहीं और यहीं पर जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है थीम्स क्या क्या है इसकी डर थीम्स का मतलब है कि किन किन मुद्दों के बारे में इस इस पूरे चैप्टर में बात करिए पहली थीम है डर के बारे में बात करिए दूसरी थीम परसिवरेंस देर आर मैनी थीम्स बहुत सारे मुद्दों के बारे में बात हुई है बट ये कुछ है परसीवरेंस कि भाई किसी चीज को तब तक कंटिन्यू करते रहो सीखना जब डिस्पाइट ऑफ फेलियर डिस्पाइट ऑफ बैड लक डिस्पाइट ऑफ ऑब्स्टिकल्स यू आर यू आर नॉट लाइक यू आर नॉट स्टॉपिंग यू आर जस्ट गोइंग तुम चलते जा रहे हो चलते जा रहे हो जब तक कि वो चीज़ हासिल नहीं हो जाती दैट इज़ परसिवरेंस सेल्फ डिस्कवरी डिस्कवरी उन्होंने अपने आप को ढूंढा कि नहीं मैं हर चीज़ अगर मैं इस चीज़ को हरा सकता हूँ तो वो एक नया इंसान बन के निकलते कि मैं किसी भी चीज़ को हरा सकता हूँ मुझे कि जिंदगी में किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अगर डर आएगा तो मैं उसे कॉन्कर uh, करूँगा ये मेरे में केपेबिलिटी है आ गई है सेल्फ डिस्कवरी करी उनने कि वो एक नए इंसान बने ओवरकमिंग एडवर्सिटी आपकी ज़िंदगी में बहुत एडवर्स सिचुएशन होती है एडवर्सिटी आती है मतलब कि प्रॉब्लम्स बैड लक डिफ़िकल्टचुएशन दैट इज एडवर्सिटी उसको ओवरकम करा परस्यूट ऑफ एक्सेलेंस परस्यूट ऑफ एक्सेलेंस मतलब कि स्विमिंग सीखना उनका गोल नहीं था जैसे मैंने बोला उसको परफेक्ट कर लेना कि आप कभी डर का डी भी ना आए मेरे पास दैट इज परस्यूट ऑफ एक्सेलेंस और यहीं पे अच्छा ओके okay, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं विच यू कैन अच्छा ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना ये आप अपने आंसर्स में लिख सकते हो और यूज कर सकते हो और सारे मीनिंग्स मैंने आपको बता दिए हैं सारे ठीक है वेस्टीज का मतलब होता है ट्रेसिस किसी चीज के स्मॉल ट्रेसिस टाइनी वेस्टिजेस ऑफ ओल्ड मेमोरीज छोटे छोटे ट्रेसिस याद आते थे ठीक है पार्ट्स बोल सकते हो ट्रेस बोल सकते हो ठीक है कैरेक्टर्स क्या है विलियम डगलस जो कि उनको फोबिया था सिंस एज ऑफ फाइव उनको फाइव नहीं सिंस एज ऑफ थ्री थ्री से डेवलप हुआ था उन्हें फोबिया यहाँ पर मैं थ्री कर देती हूँ ठीक है परसिस्टेंट थे काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग थे विल पावर वॉज स्ट्रॉन्ग ब्रेव थे करेजस्ट थे स्ट्रॉन्ग पेशेंट एंड यस तो हम भी अपने फाइनल अबॉर्ड नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए थैंक यू सो मच आई होप यू लाइक एंड लव द लेक्चर डेयर बडीज एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर बाय बाय टाटा टेक केयर एंड खुश रहो मस्त रहो स्माइल करते रहो